माला जी के अंदर दरबार में जो मेरी चैटिंग है उसको डालने की कोशिश की। अच्छा, गार्ड वगैरह से उसको पकड़े, 8-10 लोग मारे भी थे। अच्छा, आने से बहुत सारा आराम मिला। एक साथ हम कहेंगे कि गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया। जय श्री राम सभी को। मैं इनसे मिलवाने जा रहा हूँ। नाम क्या भी आप लोगों? मोहित सिंह। ये मोहित सिंह है और इनको कितनी बड़ी समस्या थी, क्या थी, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वही हैं जो नेगेटिविटी से घिरे हुए थे। और कितने थे, कैसे थे, क्या क्या होता था, चलिए आपको मिलवाते और पूछवाते हैं क्या सीन था, क्या बालाजी की कृपा इन पे हुई है और क्या गुरु जी का आशीर्वाद इनको मिला है। आइए मेरे साथ, बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम जी। नाम बताइए अपना पहले। हमारा नाम मोहित सिंह है। ओके जी। बहुत पहले हमारी सिस्टर की डेथ हुई थी, उसके बाद से हमारे ऊपर नेगेटिविटी आई थी थोड़ा, और अच्छा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई थी। और यहाँ धाम पे भी गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब काम हुए थे, जो डैडी लोग बोलते हैं और जो हमारे साथ आए थे वो बोलते थे कि आप बहुत बड़ा काम कर दिए हो या फिर बहुत बदतमीजी की हो वहाँ मंदिर के अंदर। हमने वहाँ पे दरबार बालाजी में जी, बालाजी के अंदर दरबार में जो बैरिकेडिंग है उसको डालने की कोशिश की। अच्छा, गार्ड वगैरह थे उसको पकड़े, 8-10 लोग मारे भी थे। अच्छा, हाँ उस समय, लेकिन उसमें ठंडा हो गया तो मतलब जितने 3 बार आए थे तीनों बार बहुत तगड़े तगड़े निगेटिव आई। जैसे मैं दीपक गुरु जी की शरण में आया पहली बार से, तीसरी बार में उनको बहुत काफी। क्या लगते हो? हम इनके पिताजी। अच्छा, आप ये आपका बेटा है? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, इनके मतलब यहाँ पे आने से बहुत सारा आराम मिला। एक साथ हम कहेंगे कि गुरु जी ने इनको जीवन दान दिया, लेकिन गुरु जी से हम कहते हैं कि गुरु जी ने कहा कि सब बालाजी ही कर रहे हैं, उसका भी वो तो हम जानते हैं, वो तो कभी क्रेडिट नहीं लेते। हाँ, वो क्रेडिट नहीं लेते। हाँ ठीक, लेकिन गुरु जी के यहाँ जब से आए हमारे सारे काम, हम जो सोच लेते हैं वो भी काम। एक बार मुझे भी याद है, हमारा ओपन दरबार लगा था बाहर जी, आप आए थे जी, ये इनको 8-8 बंदों ने रोका हुआ था जी जी, याद है? ये वही वही हो ना, इनके ऊपर तगड़ी निगेटिव आती थी, 8-10 बंदे इनको पकड़ नहीं पाते थे, ये हाल था। देखो बालाजी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद जब बनता है ना तो कैसे बनता है, ये वही है। आज हमारे से अच्छे से बात कर रहे हैं, बैठे हैं, अकेले बैठे रहते हैं, बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं अच्छे से। तो अभी हम जैसे दरबार में बैठे रहते हैं, ये हमारे साथ भाई अच्छे से बैठे रहते हैं, बातें करते हैं हम। तो पहले क्या होता था, नेगेटिविटी इतनी थी, खुद तो डिस्टर्ब रहते थे, 4 जनों को और करते थे, 10-10 बंदे इनको रोकते थे। और आज बालाजी की कृपा से देखो ये बिल्कुल सही है। मोहित जी नाम है आपका? बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए, आपको बालाजी की कृपा मिली है ना, गुरु जी का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ये छोटी सी वीडियो हम कैप्चर कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप गुरु जी तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? तो गुरु जी तक यही संदेश पहुंचाना, थोड़ा तेज बोलेगा जी, जो भी जिनकी भी नेगेटिविटी है वो यहाँ पे आए तो श्योर वो फ्री हो जाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पे आएंगे नेगेटिविटी उनकी श्योर है फ्री हो जाएगी। बिल्कुल, गुरु जी को हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो सबके लिए भगवान है, वो अपने हर बच्चे के लिए। और एक जो उनकी दिव्य बुक थी है, हाँ वो जब हम तो पहले ही कहे थे गाने के लिए, उस समय आए थे दरबार में, जब दोबारा आए तो हमने ली थी इनकी बुक, उन्हीं की बुक से 286 पेज का ये बच्चा की है, वो समझ लीजिए फुल पावर में। देखो सुनो, फुल पावर में दिव्य पुस्तक, आप सभी को पता है, आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है कि इंडिया छोड़ो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बहुत ज्यादा वायरल है। और उसमें वो बुक, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसका बुक वो पोच भैया वहीं पे रही है जिसके भाव अच्छे हैं, जो उसको दिल से पढ़ रहा है ना, मैं कह रहा हूँ अनुभव हो ही रहे। आज बालाजी की फोटो के बगल गुरु जी की पुस्तक में रखी, उनकी भी पूजा करता हूँ। अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बढ़िया भाई, ठीक है भैया, अच्छा लगा लोगों से मिलके। जय श्री राम, जय बालाजी। कहना चाहते हैं, हाँ बताइए। गुरु जी को मैं विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हम आए, मतलब हम तो हमारा प्रयास रहता हर महीने के दरबार में गुरु जी के दर्शन करने के लिए। ये नहीं कि मेरी निगेटिव, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है कि हम नहीं आना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रजिस्ट्रेशन बाद नहीं आते, तो उस अगले महीने आने का प्रयास करते हैं, वो आते भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जब भी आए दरबार में, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हर महीने होता है मोहित सिंह के नाम से, आप देखते भी होंगे, अगर मान लीजिए ना आए तो नवम्बर की बजाय अगर दिसंबर को आते हैं तो 125 का प्रसाद हम चढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपनी मतलब वाइफ के साथ, मतलब अपने परिवार के फैमिली साथ, फैमिली के साथ आना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर फैमिली के साथ कोई दिक्कत होती नहीं आना चाहते हैं, तो जब भी आए, नवंबर नहीं आ पाते हैं, तो दिसंबर माह में जब भी आएंगे तो मतलब 125 का प्रसाद हम चढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी खाना चाहेंगे, आप ही माध्यम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया। जय श्री राम, जय बालाजी, जय।